गंगा की गोद में होगी चलती फिरती लाइब्रेरी, नाव पर मिलेगा धर्म और संस्कृति का अनोखा संग्रह, नाव में लाइब्रेरी खोलने की तैयारी में है सरकार। धर्म, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्य की राजधानी कहे जाने वाली काशी में अब अनोखी लाइब्रेरी खुलने जा रही है। यह लाइब्रेरी बनारस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगी। यह लाइब्रेरी किसी विद्यालय, किसी स्कूल या फिर किसी हेरिटेज बिल्डिंग में नहीं बल्कि गंगा की गोद में चलती फिरती लाइब्रेरी होगी। जी हाँ, वाराणसी जिला प्रशासन ने काशी और देश के साहित्य और संस्कृति को आने वाले पर्यटकों के सामने रखने के लिए गंगा नदी में नाव पर लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है। ये जल्द ही पर्यटकों के लिए तैयार कर दी जाएगी। वाराणसी आयुक्त दीपक अग्रवाल का कहना है कि धर्म अध्यात्म की नगरी काशी, जहां हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु काशी के इतिहास, साहित्य और दर्शन को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। गंगा घाट पर ही ज्ञान का केंद्र पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, जिसे वह किताबों के जरिए हासिल कर पाएंगे, वह भी बड़ी आसानी से। इसी को योजना बनाते हुए जिला प्रशासन गंगा नदी के चलने वाले बजरे यानी कि एक बड़ा नाव पर लाइब्रेरी खोलने जा रही है। यह लाइब्रेरी गंगा घाटों के किनारे खड़ी होंगी, जो प्रत्येक दिन घाट किनारे अपना स्थान भी बदलती रहेंगी, यानी कि ये लाइब्रेरी चलती फिरती लाइब्रेरी होगी। आने वाले पर्यटक बजरे में बैठकर या फिर गंगा घाट के किनारे सीढ़ियों पर बैठकर इन किताबों के जरिए देश के साहित्य और संस्कृति के बारे में बड़ी ही आसानी से पढ़ सकेंगे। गंगा की गोद में इस अनोखी लाइब्रेरी की योजना जानकर काशीवासी बड़े ही उत्साहित हैं। काशी धर्म के साथ साथ साहित्य की नगरी कही जाती है, जहां बड़े बड़े साहित्यकारों ने देश दुनिया में अपनी लेखनी से अपना छाप छोड़ा है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।